हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। डेढ़ माह पहले एक नवविवाहिता को ससुराल वालों ने जिंदा जलाकर मार डाला था, लेकिन अब प्यारे ससुराल वालों पर कांग्रेस विधायक मेहरबान है, वो उन्हें बचा रहे हैं, यह आरोप मृतिका के परिजनों ने लगाए हैं। खबर छतरपुर जिले के भागवा थाने के नदी खेड़ा से जुड़ी है, जहां डेढ़ माह पहले एक खबर थी कि नवविवाहिता सुशीला लोधी के ऊपर ससुराल के 5 लोगों ने केरोसिन डालकर उसे आग के हवाले कर दिया था। गंभीर हालत में सुशीला ने मरणासन्न कथन भी दिए थे और मीडिया में उसकी अंतिम आवाज भी रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन डेढ़ माह गुजर जाने के बाद भी पुलिस ने हत्या का मामला न तो दर्ज किया, ऊपर से आरोपी पक्ष बड़ा मलहरा के विधायक प्रदुमन सिंह के दम पर यह कहता घूमता फिर रहा है कि विधायक ने हमारा राजीनामा करवा दिया है। विधायक सत्ता पक्ष के विधायक हैं, दोनों लोधी परिवार हैं और विधायक भी लोधी समाज से आते हैं। ऐसे में आरोप है कि ताकतवर लोधी परिवार जो आरोपी है उसके साथ विधायक प्रद्युमन सिंह खड़े। हालांकि इन आरोपों पर विधायक जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पुलिस महकमे ने अब सियासत गर्म होने पर और मामला मीडिया में आने के बाद पीड़ित पक्ष को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक रात की घटना है 10वें महीने की, उस दिन उन लोगों ने तेल डाल के आगे सुहागे जला दिए ससुराल वालों ने, पूरी पुलिस पे दबाव डाले। मैं एस पी साहब खुद दबे हुए हैं, क्यों दबे हुए हैं, जब वे भी मान लो विधायक से दबे हुए हैं तो सरकार पे भी जाए, उनकी चोरी ही नहीं जा रही बिल्कुल। और फिर धमकी दे रहे थे, हम जान से मार देंगे तुम्हारी बिटी, यहाँ जला दो, हमने तेल डाल दिया थी तुमको भी जला दे, सब दबाव डाल रहे हैं, इधर राजीनामा दे। हम भाग गए जी, हम खचो के लिए आए हैं दिलता माए ने, इनकी हेला माए को उन्होंने बचा, मम्मी कहती मैं जा कहती नीचे की है या सिल्की हो मैं जा, पापा कहते फिर पापा हाँ जो अच्छे रान दो पहला केला आगी उन्हें नहीं लगाई ना। हाँ अच्छा चलो ठीक है, लगाई उन्हें नहीं आगी, ठीक है। थाना भगवा क्षेत्र का मामला है, इसमें एक नंबर वाला था मर्ग पर जांच उपरांत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। एसडीपी बड़ा मलेरा इसकी जांच कर रहे हैं, आरोपी लगातार तलाश की जा रही है, आरोपी नहीं मिले, मेरा नाम खान की तलाश की जा रही है, शीघ्र ही आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल एक महिला जिंदा जली, मरते वक्त वह सच बोली, लेकिन मृतिका नवविवाहिता के बयानों पर पुलिस की कार्रवाई न करना इस ओर इशारा जरूर करती है कि इसके पीछे सियासी हाथ है। संजय अवस्थी, सागर एक्सप्रेस न्यूज छतरपुर। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।